नमस्कार। तीर्थराज प्रयागराज, क्या कभी यूपी के युवा का, यहाँ के नौजवान का, उनका सोच क्या है, उनका मन क्या है, क्या ये अंधविश्वासी लोग समझ सकते हैं? 1.25 करोड़ छात्रों का भर्ती इम्तिहान कराना सरल नहीं होता, लेकिन सवाल छात्र पूछते हैं कि करोड़ों लोगों का चुनाव कराना आसान होता है? भाई और बहनों, 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है। बहुत जोर जोर से दरवाजों पे मारने लगे पैर से, तो हम लोगों ने बोले हम लोगों की खोलो, नहीं तो हम अगर खोल दिए तो बहुत मार मारेंगे। हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हम लोग दरवाजा खोले, लेकिन वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। एस्पिरेशनल है, बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने उन निर्दोष लोगों को भी पीटा जिनका कोई इस मामले में दोष नहीं था। हम इस वक्त उस लॉज में हैं जहां पर पुलिस कर्मियों ने उन छात्रों को पीटा है जो पूरी तरह से निर्दोष से यहां पर पढ़ाई कर रहे, भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका साक्ष्य है सामने वाला कैमरे में रिकॉर्डिंग है। हम लोग के लॉज में कोई नहीं, ये पुलिस की पूरी साजिश थी लॉज में घुस करके हम लोगों को मारने की। जब उन लोग को नहीं पा पाए, उनकी पूरी भड़ास हम लोगों के ऊपर निकाले, हमको मारे हैं, हमारे मित्रों को मारे हैं, और जब हम बाहर निकले कैसे भी इन लोग के मारपीट से, तो सड़कों पर इन लोगों ने हमें दौड़ा कर मारा है। मानवता के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट आया है। ये आप सोचिए कितना निंदनीय बात है कि प्रशासन द्वारा छात्रों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्दोष नागरिकों को गुमराह करे, क्या ऐसे नेता यूपी को चलेगा क्या? किस तरीके से पुलिस ने कल यहाँ बर्बरता की, दोस्तों अब जगह नहीं है, आप आने की कोशिश मत कीजिए, जहाँ है वहीं रुक जाइए। पुलिस ने यहाँ पर कल शाम से लेकर रात तक वो जबरदस्त तरीके से तांडव किया, दरवाजों को तोड़ दिया, खिड़कियों को तोड़ दिया। जो छात्र वहाँ पढ़ाई करते हुए भी थे, जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उनकी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई। जो छात्र यहाँ पर है, पुलिस के डर की वजह से कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम कैमरे के सामने आएंगे तो पुलिस पहचान करके बाद में हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा दोस्तों। अंधविश्वासी को उत्तर प्रदेश का नौजवान स्वीकार कर सकता है? ये कैसे लोग हैं? युवाओं की जिंदगियां तबाह कर दी, होनहार युवाओं की। आज ये लोग नौकरी के नाम पर फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं, धोखा। I am sorry, बाबू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।